सूक्ष्म समृद्धि विज्ञान चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सुशील कुमार शर्मा आप लोगों के लिए विशिष्ट प्रकार के ऐसे वीडियोस बनाता हूं, जो वीडियो आपको आपके जीवन में सफलता प्रदान करें, आपको कष्टों से छुटकारा प्रदान करें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बाद में बेल का आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि जैसे ही कोई नए वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। मित्रों, आश्रम के निर्माण के लिए यथाशक्ति जो भी हो सके आप अपना अनुदान कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों के यहाँ आने में, बहुत सारे लोग फ़ोन किया करते हैं आपका आश्रम कहाँ पर है, हम आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन अभी हमारा कोई आश्रम नहीं है, आश्रम बनाने की बात चल रही है और आप लोग उस पर अनुदान करें, इस कार्य को अपना कार्य समझें। तो हमने एक वीडियो साल भर पहले बनाया था, नौजवानों के लिए खास वीडियो, पूरा देखें, उसमें अपना नंबर भी दिया था। बहुत सारे लोग परेशान करते हैं। खैर, आज जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें भी नंबर दूंगा, उस वीडियो से मैंने अपना नंबर हटा लिया है। इस वीडियो में जो नंबर मैं दे रहा हूँ वो इसलिए दे रहा हूँ कि आप उस बात को समझें। नौजवानों के लिए खास वीडियो मतलब ये कि जो नौजवान हैं अब 18 साल से लेकर के और 50 साल तक के लोग जवान ही कहे जाएंगे, तो जो लोग अपने जीवन में बचपन में उनसे कुछ गलतियां हो गई, ठीक है, गलतियां हुई, उस समय उनको कुछ पता नहीं था, उतनी बुद्धि नहीं थी और अपने उन्होंने बचपन में गलतियां करके अपने वीर का क्षरण किया किसी प्रकार से, तो आज वो जब उनका विवाह हुआ तो पता उनको ये चला कि अरे हम तो किसी काम के ही नहीं हैं। या कुछ लड़के हैं फ़ोन करते हैं कि सर मेरी शादी होने वाली और मैं शादी करना नहीं चाहता हूँ, ऐसे सभी लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग खुशी खुशी विवाह करें अपना और बाकी का जिम्मा हम पर छोड़ दें। अब बात यह है कि जैसे वो बरगद के दूध की बात थी उस वीडियो में, मैंने बताया था कि बरगद के दूध से वीर पुष्ट होता है और ये भी हर वीडियो में कहता हूँ कि यथासंभव फ़ोन ना करें, व्हाट्सएप करें और बरगद के दूध के लिए तो संपर्क ना करें और बार बार उसके गुणों के बारे में पूछ पूछ करके हमें तंग ना करें। आज मेरा एक अनुभव हुआ, एक आदमी मुझे फ़ोन कर रहा था, उसने बताया कि उसकी उम्र लगभग 22 वर्ष की है और उस व्यक्ति ने 10 साल की उम्र से ही हस्त मैथुन चालू कर दिया था। आज उसके शरीर में बहुत सारी कमियां आ गई हैं और कष्ट हो गया है। उसने मुझसे बताया कि भाई ऐसा है कि मैंने करीब 2-2.5 लाख रुपया इलाज में लगा दिया है और मुझे फायदा नहीं मिला है। तो मैंने कहा ठीक है, अब आप 2-2.5 लाख रुपए आपने लगा दिया है तो अब आप 20-21 हजार रुपये खर्च करिए, मैं आपको स्पेशल दवा बना करके देता हूँ, ठीक होगा। तो वो व्यक्ति बोला कि आपने बरगद के दूध के बारे में बताया था, तो हमने कहा बरगद के दूध के बारे में बताया था तो उसको आप करें, और जब इतने दिनों से परेशान हो, इतना पैसा लगा दिया है, इतनी दवाइयां आप पर काम नहीं करी, तो अब बरगद का दूध भी आप पे क्या काम करेगा। तो बोलता है आपने तो बरगद के दूध के बारे में बताया और अब जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आप दवा मंगवाने की बात कर रहे हो, पैसे की बात कर रहे हो। तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि आपसे कोई ज़्यादा वो तो है नहीं, आप दवा मत मंगवाइए, बरगद का दूध का प्रयोग करते हैं करते रहें, ना करना हो ना करें,
इसके बाद बात खत्म हो गई। थोड़ी देर बाद में उसने फिर कॉल किया, बोलता है आप तो जो है दो मुंह ही बातें करते हो, वीडियो में आप कुछ बोलते हो और जब फोन किया जाता है तो आप कुछ बात बोलते हो। मैंने कहा मैं वीडियो में भी सही बोल रहा था, अभी भी सही बोल रहा हूँ, अलग अलग तरीके हैं, स्टेज होती है अलग अलग, किसी रोग की अलग अलग स्टेज होती है, किसी में घरेलू उपाय काम कर जाते हैं, किसी में नहीं करते हैं। फिर वो व्यक्ति बोला कि नहीं आपने वीडियो में कुछ और बोला है। मैंने कहा आप मुझसे बात ना करें और मैंने फोन काट दिया। इस प्रकार से फिर वो परेशान कर रहा था, दो तीन मिनट उसने फोन किया, अंत में मुझे उसको ब्लॉक करना पड़ा। भाई घरेलू उपायों से अगर काम चलता तो जो ये बड़े बड़े आयुर्वेद में योग हैं, नुस्खे हैं, डॉक्टरों के हकीमों को वैद्यों के सभी के नुस्खे हैं, ये कब काम आएंगे? ये तभी काम आएंगे जब सामान्य उपायों से आपका काम न चले। सामान्य उपचार हम इसलिए बता देते हैं क्योंकि आप पहले उसको करके देख सकें और इसके बाद में अगर काम न चले तो दवा ले लें। अब आज से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, नंबर मेरा मिल जाएगा आपको थंबनेल में, डिस्क्रिप्शन में भी, टाइटल में भी, ठीक है? तो जो लोग इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हों, चाहे वो नपुंसकता की स्थिति हो, 20 साल पुरानी तक नपुंसकता खत्म हो सकती है, इसमें कोई दोराय नहीं है, हस्त महसून से आई हुई कमजोरी ठीक हो सकती है, स्वप्न दोष से आई हुई कमजोरी ठीक हो सकती है, और जिस व्यक्ति के बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उचित इलाज करके उनको ठीक किया जा सकता है। इन सब कार्यों के लिए आप संपर्क करें और बड़ के दूध का रोना लेकर के न बैठें, ठीक है? हर चीज़ की दवा बड़ का दूध नहीं है, कोई ऐसी दवा नहीं बनी जो एक ही दवा दुनिया के सारे मर्जों को ठीक कर दे। तो आप लोग समझदारी से काम लेंगे और जब संपर्क करेंगे तो जैसा कहा जाए उस कार्य को संपादित करेंगे उसी तरीके से, तो आप फायदे में रहेंगे। जो भी दवा वगैरह हम बना के भेजते हैं, लोगों को देते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि कोई निराश ना हो। गहन शोध के पश्चात, गहन अध्ययन के पश्चात और हमारी 30 साल की पुरानी प्रैक्टिस के हिसाब से हम पूरी तरीके से दवा को अच्छा ही देते हैं। हर दवा की कीमत अगर अलग अलग होती है, इसलिए कभी किसी रोग में उसी रोग में स्टेज के अनुसार कम या ज़्यादा पैसे लग सकते हैं आपसे, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। अब 3 ग्रेड बनाए हैं, एक ग्रेड है जिसमें स्वर्ण भस्म का प्रयोग करते हैं, एक ग्रेड है जिसमें हम चांदी की भस्म का प्रयोग करते हैं, एक ग्रेड है जिसमें अन्य भस्मों का प्रयोग करते हैं। तो अब जब सोने चांदी की भस्म का प्रयोग होगा तो वो दवाई अपने आप महंगी हो जाएगी, इसलिए अलग अलग ग्रेड हम बताते हैं लोगों को। तो इस प्रकार से यौन रोगों की कोई भी, वो चाहे पुरुष के रोग हों या स्त्रियों के रोग हों, चाहे वो बच्चा न पैदा होने की समस्या हो या चाहे बच्चा पैदा होकर के मर जाते हो, इस प्रकार की समस्याओं के लिए आप हमारे चैनल में हमसे संपर्क करके अपनी उस समस्या को दूर कर सकते हैं। अगर बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं तो हमसे संपर्क करने के पहले पति और पत्नी दोनों लोग अपना चेकअप किसी योग्य पैथोलॉजिस्ट से करवा लें, बाद में जब हमसे संपर्क करें तो वो रिपोर्ट हमको व्हाट्सएप पर भेजें। देखिए सिस्टम से काम होता है तो उसका मजा कुछ और होता है, और केवल ऐसे ही नहीं, जांच करने के पश्चात तब ये पता चलता है कि नहीं कितना रोग है, किस हिसाब से है, कितने दिन दवा चलेगी, कितने महीने चलेगी, वो फिर निर्धारण होता है। आशा है मेरे इस वीडियो से
आप संतुष्ट होंगे और इस चैनल के वीडियोस को, खासकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर बात पसंद आई हो तो जितने लोग इस वीडियो को देखें, बात पसंद आवे तो लाइक कर देना, बात पसंद ना आवे तो डिसलाइक कर देना। इससे मिलता कुछ नहीं है मुझे, पर यह होता है कि अगर लाइक आप करते हैं तो ये वीडियो हमें पता चलता है कि कितना आप लोगों ने इसको पसंद किया, उसी हिसाब से आगे वीडियो बनाने का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो वीडियो को वो पॉपुलैरिटी कैसे मिलेगी। इसलिए अपने सारे रोगों के लिए, अपने सारे मर्जों के लिए संपर्क करना ना भूलें। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को इस वीडियो के लिए विराम देता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, हरि ओम।